हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत और आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। खुशी का रीज़न ये है कि जो रोड ट्रिप हमने प्लान की थी वो आज स्टार्ट होने जा रही है। तो मैं और भाई निकल रहे हैं गाड़ी से और हम आपको लेके चलेंगे आज एक लंबे सफ़र पर। ये सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है, कई दिन लगेंगे इसको कवर करने के लिए, बट बहुत बहुत खूबसूरत जगहें हम कवर करने वाले हैं और सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ। आई जस्ट होप कि मेरी ये सीरीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। तो गाइज, अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ये पूरी सीरीज़ आपको देखने के लिए मिले। चलिए, तो ये है अपनी ब्रीफ केस, ये रहा मेरा हेलमेट एंड कैमरा बैग, और ये भी हम बैठे हैं बैटरी में और बैटरी रिक्शा चल रही है अब कलंदीकुंज के लिए। तो हम निकल गए हैं ट्रिप के लिए घर से और मैंने अपने साथ सामान ले लिया है। भाई का मेरे पास फोन आ गया, भाई ने बोला कि कलंदीकुंज आ जा और वहाँ से इजी रहेगा, अंदर नहीं आना पड़ेगा, तो सीधे सीधे हम हाईवे पकड़ लेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैटरी रिक्शा में बैठ के कलंदीकुंज और निकलते हैं। फिर आगे आ चुके हैं मुझे लेने के लिए और हप्पी भी है भाई। हेलो, तो बस बैठते हैं और निकलते हैं ट्रिप के लिए। तो अभी लिया है हमने दिन का पहला स्टॉप और हम लोग रुक रहे हैं अभी गजरौला के आसपास, गढ़ गजरौला के आसपास। गाड़ी भी थोड़ा ठंडी हो जाएगी, गाड़ी को हमने खड़ा कर दिया है और बोनेट खोल दिया है क्योंकि हाईवे पे चल के आइए करीब 100-110 किलोमीटर। तो हमने कहा थोड़ा सा मौसम ठंडा है, रुक जाते हैं, अच्छा है, तो गाड़ी भी ठंडी होने का मौका मिल जाएगा। बाकी फिर हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा। तो पीछे का व्यू देखो आप, ये रिज़ॉर्ट है जहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए, और चाय पी के बस निकला जाएगा यहाँ से क्योंकि अभी जर्नी लंबी है। और तो हम लोग आज जा रहे हैं हल्द्वानी फर्स्ट डे, एंड उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। हिल्स पे हमें कहाँ जाना है वो मैं बाद में बताऊँगा। तो बस जुड़े रहिए सीरीज़ के साथ, बहुत ज़्यादा फन आने वाला है और हिल्स शुरू होंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हमने सोची हैं जाने के लिए। और देखिए कि हम जाते कहाँ हैं, कहाँ रुकते हैं और कैसा रहने वाला है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चाय आ चुकी है मेरी और भाई की, मैंने की है मीठी, हल्की सी मीठी, ज़्यादा मीठी नहीं, घर वालों को बताना पड़ता है भाई मीठा कम पड़ा हुआ है। और भाई पी रहे हैं बिल्कुल फीकी चाय और हम प्लान कर रहे हैं आगे का कि हम कहाँ जाने वाले हैं हल्द्वानी के बाद। तो अभी फौजी को फ़ोन करना है और उसको बताना है सरप्राइज़ कि हम लोग रास्ते में हैं और हम आ रहे हैं हल्द्वानी ताकि हम आगे निकल पाएँ। तो बस अभी थोड़ी देर चाय पी के यहाँ से निकला जाएगा। और ये खड़ी है हमारी गाड़ी जो कि रेस्ट कर रही है हमारी तरह। तो चाय पी के हम लोग हो गए हैं फारिग और अब निकल रहे हैं हम आगे के लिए। तो हमने चाय पी है एन रूट पर और जिसका निशान है चाय की टपरी। तो अगर आप आ रहे हो ब्रिज घाट क्रॉस करते के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको चाय की टपरी लिखा हुआ दिखेगा और वहाँ पर रुकिए। और चाय वाकई एक नंबर है, चाय बहुत सही है। भाई गाड़ी निकाल रहे हैं तो बस हम निकलते हैं हम आगे के लिए। पहले हम लोग जा रहे हैं संभल अपने घर, घर रुकेंगे थोड़ी देर, अम्मी से मिलेंगे और अम्मी से मिलने के बाद फिर हम निकलेंगे आगे हल्द्वानी के लिए। फौजू को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बहुत देर से फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो ब्लॉग देखेगा वो कि मैंने उसे कितने फ़ोन किया। मैंने कम से कम उसको 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब पहुँच के मिलते हैं उससे। तो पहले संभल चलते हैं, रेस्ट करते हैं, अम्मी से मिलते हैं और फिर आगे निकलते हैं। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर और अब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे घर वालों के साथ। गाड़ी हमने पार्क कर दी है तो टाइम लगने वाला है थोड़ी देर, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अम्मी से मिलने के बाद हम निकलेंगे दोबारा अपनी जर्नी के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट, हम दोबारा से निकल गए हैं घर पर, चाय पी, खाना खाया, सब लोगों से मिल लिए, इस बहाने अम्मी से मिल लिए। तो हम निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए, रास्ता है 3.5 घंटे का। आइए चलिए सफ़र का मज़ा करते हैं। तो अभी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि हम लोग भाई की बाइक की चाबी ले आए हैं तो वापस जाना पड़ रहा है घर। पहले चाबी देते हैं और फिर दोबारा से सफ़र स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो।
तो हुआ ये कि हमने जब गैराज में से बाइक निकाली भाई की गाड़ी खड़ी करने के लिए कार, तो हमने वो चाबी भाई की जेब में रह गई, तो भाई और भाभी दोनों गए हैं चाबी वापस देने के लिए, और टिफिन भी रह गया था भाभी का, वो भी ले लिया हमने, तो बस हम निकलते हैं आगे, लेट्स गो। तो अभी हम लोग हैं मुरादाबाद के आसपास और हाईवे पे जाने के लिए, आप रोड देखो, रोड खत्म हो चुकी है, इतनी बुरी हालत है रोड की, देखो खेतों के अंदर से हम गाड़ी लेके जा रहे हैं अभी, मतलब प्रॉपर खेती समझो आप, क्योंकि मिट्टी रोड नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। ओह माय गॉड, देख सकते हैं आप, हमसे आगे एक स्विफ्ट जा रही है, उसकी हालत देखो। हम तो खैर तो अल्लाह का शुक्र है हमारी गाड़ी ऊंची है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बट स्विफ्ट की हालत देखो, पूरा कूद कूद के जा रही है बेचारी। हमारे पीछे भी इत्तेफाक से एक स्विफ्ट है, उसकी भी हालत ख़राब है। अब पता नहीं भाई ये हाईवे पे कहाँ से जुड़ेगा इंटरसेक्शन, बट ये अभी तक तो हमें स्ट्रेट ही दिखा रहा है रास्ता। अब देखते हैं कितनी देर में हमें हाईवे पकड़ पाते हैं। बहुत मुश्किल रास्ता था और बहुत डिफिकल्टी हुई, हमारी गाड़ी माशाल्लाह ऊंची है तो हम आराम से निकल गए, बट स्विफ्ट थी वो तो फंस गई बकायदा, उसको तीन लोगों ने धक्का दिया था वो निकली और काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान हो गए थे, बट हमारी गाड़ी आराम से निकल गई है। अब हम हाईवे पे हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। अब उम्मीद तो ये है कि दो ढाई घंटे के अंदर हम हल्द्वानी पहुँच जाना चाहिए। हाईवे हमें क्लीन दिख रहा है। We found a faster route via National Highway 9 in Rudrapur, Haldwani Road, which saves 11 minutes. अभी हम हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और जंगल वाला जो एरिया है वो स्टार्ट हो चुका है कॉर्बेट का, और इसी के बाद हिल्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हल्द्वानी जो है बिल्कुल फट हिल्स पर है, तो आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है दोनों तरफ और ऑक्सीजन लाजवाब मज़ा आ रहा है। हमने शीशे खोल रखे हैं गाड़ी के और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है इस टाइम, 26 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है और शायद अगले 3 किलोमीटर्स में इसे कहता ना ये 20 डिग्री के आसपास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिल हो रहा है। और बट आज हम हिल्स पे नहीं जाएंगे, हम हिल्स पे कल चढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि हम हल्द्वानी जाएंगे, हल्द्वानी जाके फौजू के पास स्टे करेंगे और कल प्लान करेंगे आगे का। तो चलिए हल्द्वानी पहुँचते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे कि हमने सोचा कि पुलिस वाले बार बार घुमा रहे गाड़ी, तो हमने गाड़ी का बोनेट खोल दिया है ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए, थोड़ी सी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी और हमें भी टाइम मिल जाएगा, तो जब ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा तब चलेंगे आराम से। भाभी को हमने घर भेज दिया है फौजू के, क्योंकि फौजू का घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो स्कूटी से आ गया था और मैं और भाई रुक गए हैं, अब भाई भी चला जाएगा, तो मैं थोड़ी देर जब ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट तब निकलेंगे। लोग यहाँ से गाड़ियाँ भी घुमा रहे, इतने परेशान हो गए ना लोग कि लोगों को गाड़ियाँ भी घुमानी पड़ी है, मतलब एम्बुलेंस तक नहीं जा पा रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम हल्द्वानी के अंदर। आप देख सकते हो एक गाड़ी घुमाई जा रही है, वो एक लेडीज़ बेचारी उतर के नेविगेट कर रही है ताकि थोड़ा सा रास्ता खुल जाए, भाई खड़े हैं मेरे पास। करीब आधे घंटे बाद ट्रैफिक खुला और फौजू मुझे एक शॉर्टकट से घर की तरफ लेके जा रहा है, तो चलते हैं घर यार, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाना भी लेके आना है और खाना खाते हैं और फिर आज सोएंगे। इसी के साथ ये रहा हमारा फौजू और गाड़ी पार्क हो गई है, भाई खड़े हैं, तो हम घर पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा सा हल्द्वानी में जाके खाना लेने के लिए जा रहे हैं हम दोनों और उसके बाद गाड़ी पार्क करके अपन सो जाएंगे। तो चलिए आज हल्द्वानी भी आपको थोड़ा सा घुमाते हैं। भाई मैं और फौजू निकल रहे हैं हल्द्वानी बाहर मार्केट सामान लेने के लिए, खाना लेने के लिए, तो चलते हैं आज आपको हल्द्वानी दिखाते हैं। अब हो गया है डिनर टाइम, हम लाए हैं चिकन एंड बिरयानी और रोटी, जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, नारियल पानी जो हम पीने वाले नहीं है इस टाइम क्योंकि हम सुबह पियेंगे,
तो रोटी का मैं आपको साइज दिखाता हूँ। रोटी हल्द्वानी में नॉर्मल रोटी नहीं मिलती, इतनी बड़ी रोटी होती है। ओ माय गॉड, तो तंदूरी रोटी होती है बट बहुत बड़ा साइज होता है। तो एक बार खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज आज का वीडियो ही करते हैं एंड, थकन हो गई है बहुत ज़्यादा, हम थक गए हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह हम लोग हिल्स पे निकलेंगे और नेक्स्ट एपिसोड वहीं से बनाएंगे। तो इस व्लॉग को मैं ही कर रहा हूँ एंड आई जस्ट होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे एंड से सायोनारा।